मंगलवार की सुबह इमामवाड़ा पुलिस क्षेत्र में मेन रोड पर राजबक्सा मंदिर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति लगभग 55 वर्ष की उम्र वाले बेहोश पाए गए। पुलिस द्वारा इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाने के बावजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उससे मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता सचिन शरदराव गुजर उम्र 44 वर्ष जो इमामवाड़ा में राजबक्सा मंदिर के सामने रहते हैं। उनके अनुसार मृतक पिछले 3 वर्षों से राजबक्सा हनुमान मंदिर के आसपास भीख मांगकर गुजारा करते थे। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक मड़ावी ने इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। आज सुबह 7:30 के दरमियान राजबक्सा मंदिर के सामने एक पुरुष डेड बॉडी मिली है। उनको मेडिकल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनको चेक करके मृत घोषित किया गया है। उनका नाम और पता अभी तक पता नहीं चला। उनकी उम्र जो है वो अंदाजन 50 से 55 के बीच में है और उसका खबर दाखिल करके उनकी पहचान लगाने की कोशिश की जा रही है। उस खबर पे पुलिस थाना इमामवाड़ा इथे अकस्मात मृत्यु दाखिल कर दिया गया है और आगे की तफ्तीश चालू है। आयुष्यात प्रगती तेव्हाच होते जेव्हा अंगभूत गुणांना योग्य संधी मिळते। ग्रामीण महिलांना आत्मसन्मानाने जगता यावे, त्यांची जीवोन्नती व्हावी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र कार्यरत आहे। गरीब महिलांच्या आयुष्यात समृद्धी यावी म्हणून उपजीविकेचे विविध स्त्रोत निर्माण केले जात आहेत। त्यांना स्वयंसहायता गट ते महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेचा लाभ मिळतोय। महिला बचत गटातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महालक्ष्मी सरस माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिलेली आहे। शेतकरी महिलांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी 400 शेतकरी कंपन्या स्थापन केलेल्या आहेत। आज ग्रामीण भागातील लाखो महिलांच्या जगण्याचा दर्जा उंचावतो आहे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियान। निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।